हरिद्वार में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन एक बार फिर सख्त हो गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए अतिक्रमण अभियान में आज शिव मूर्ति चौक से भीमगोड़ा चौक तक जमे अतिक्रमण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। इस दौरान दुकानों के बाहर रखे काउंटर और दूसरे सामानों को भी जब्त कर लिया गया है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले के मद्देनजर यह अभियान चलाया जा रहा है। इस पर प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण हटाने को लेकर स्थानीय व्यापारियों और दुकानदारों से लगातार बातचीत की जा रही है, लेकिन कुछ दुकानदार मनमानी करते हुए अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं। ऐसे लोगों से प्रशासन सख्ती से निपट रहा है। कांवड़ मेला शुरू होने से पहले ही शहर को अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारा कांवड़ भी शुरू हो रहा है। कांवड़ में इस बार काफ़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की आशा जताई जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमारा अतिक्रमण नहीं हटेगा तो आने वाले दिनों में प्रशासन को, व्यापारी बंधुओं को और हमारे कांवड़ियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। इसलिए इनसे रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि ये लोग अपने अतिक्रमण को हटा लें, और जो इसमें सहयोग नहीं कर रहा है उसके खिलाफ आज आप देख रहे हैं एक सख्त कार्रवाई की जा रही है, और ये मैसेज इन लोगों के लिए भी है और आगे भी ये जारी रहेगी। कांवड़ मेला नज़दीक है और कांवड़ मेला के दृष्टिगत हम लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसके पूर्व में भी हम लोग 8-9 दिन किए थे और अब ये कल भी चला था। आपको जानकारी है कि कल भी हम लोगों ने हटाया था, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि अभी नाली के पीछे जो किया गया था पुनः नाली के पार आ जा रहे हैं, अतः हम लोग कार्रवाई प्रारंभ फिर से प्रारंभ की गई कि ताकि नाली के पीछे जा जाए और अतिक्रमण मुक्त किया जाए रोड को, ताकि पब्लिक को जो है सहूलियत हो। उसमें 5-10% लोग हैं ऐसे जो नहीं मिलता है, नहीं तो व्यापारी बंधु हमारे समझदारी से काम ले रहे हैं और स्वतः कर ले रहे हैं पीछे। एक कुछ लोग 20-25% ऐसे हैं जो पुनः वापस